पश्चिम बंगाल सरकार में बगावत का दौर शुरू हो गया है। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अधिकारी पहले ही राज्य में परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत राय ने इसे अधिकारी की तृणमूल कांग्रेस के साथ धोखेबाजी करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि शुभेंदु अधिकारी अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें वहां कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिलने वाला है। उधर अधिकारी ने इस संबंध में राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी एक चिट्ठी भेजी है। राज्यपाल ने इस संबंध में ट्वीट किया, शुभेंदु अधिकारी ने मेरे हस्तक्षेप की मांग की है ताकि पुलिस और प्रशासन को उन्हें फंसाने से रोका जा सके और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए उन्हें आपराधिक मामलों में न फंसाया जा सके। शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा को भी हाल ही में बढ़ाकर जेड प्लस कर दिया गया था। जानकारी के अनुसार उन पर खतरे की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। सुरक्षा बढ़ने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बीते दिनों मेदिनीपुर में आयोजित एक रैली में कहा था कि हाल के दिनों में उनके ऊपर 11 बार हमले किए गए हैं। उधर अधिकारी के इस्तीफे पर भाजपा के उपाध्यक्ष मुकुल राय ने कहा है कि जिस दिन उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, मैंने कहा था कि अगर वह टीएमसी छोड़ देते हैं तो मुझे खुशी होगी और हम उनका स्वागत करेंगे। आज उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों के घर की तरह ढह रही है। रोज उनकी पार्टी से कोई नेता हमारी पार्टी में शामिल होने आ जाता है। दादा।